तो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और ये काफी इजी और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, जो ए बी है ना, ये बाइसेक्टर है। सी ए बी एंड सी डी जो बाइसेक्टर है, वे ओ पे ये बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये बाइसेक्टर है बच्चों, तो देखो जो ओ सी होगा वो ओ डी के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और जो ए ओ होगा वो ओ बी के इक्वल होगा, बाइसेक्टर है, ठीक है, एट इस पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। तो देखो बहुत ही इजी होने वाला है क्वेश्चन। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ सी करता हूँ, ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। तो देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी। देखो मैं ये वाला ट्राइंगल मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ बच्चों। एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ। तो देखो इसको अगर मैं निकाल इसको मैं अगर करता हूँ, तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ सी और बी ओ डी, तो देखो मैं कर सकता हूँ ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी, और ए ओ इक्वल्स टू ओ बी, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, बाइसेक्टर है ना, ए बी एंड सी डी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बड़ा इजी है ये, देखो बाइसेक्टर तो इक्वल हाफ पे कटेंगे। देखो ये दो आ चुके हैं, एक और तीसरा चाहिए। देखो ये वाला, ये वाला, तो एंगल सी ओ ए इक्वल्स टू बी ओ डी है ना, एंगल सी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना ये, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो देखो ये हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ओ डी, बोल सकता हूँ ना। तो बस ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ओ डी आ चुका है मेरे पे। अब ध्यान से देखो ये किससे आया, साइड एंगल साइड से ये आ गया, किससे आया ये, साइड एंगल साइड से। अब ध्यान से देखो मुझे निकालना क्या क्या है वो मैं अब प्रूफ करता हूँ। देखो एक एक करके, देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो देखो ए पहला है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये किससे सॉल्व हो गया, सी पी सी टी से, क्योंकि देखो यही वाला ट्राइंगल मैंने किया था। तो देखो ये सी पी सी टी से सॉल्व हो गया, पहला वाला तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अब दूसरा वाला करता हूँ, दूसरा वाला मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो सेकंड वाला क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस पे, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। देखो यहाँ पे सी ए बी कहाँ है, सी ए बी, देखो ये वाला एंगल इक्वल टू ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल। और बच्चों देखो ये भी इसी ट्राइंगल के अंदर है, तो ये भी किससे हो जाएगा बच्चों, सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो जाएगा। देखो सेकेंड वाला भी हो गया, बड़ा ईजी हो गया ये तो। देखो थर्ड वाला पार्ट देखता हूँ मैं, थर्ड वाला पार्ट किससे हो रहा है देख लेता हूँ। तो बच्चों अब मुझे क्या करना है, ए डी इज पैरेलल टू सी बी निकालना है। तो देखो ए डी और सी बी और ए डी इज इक्वल टू सी बी। तो अब देखो अब टोटली चेंज हो गया है, मुझे ये वाले ट्राइंगल का तो यूज ही नहीं करना, मुझे किसका करना है, ये वाले ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का। तो भाई अब मैं एक इन दोनों ट्राइंगल लेता हूँ। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ, यहाँ पर सी ओ बी। तो देखो अब ये मुझे ये दो ट्राइंगल लेना है, तो बिल्कुल वही एग्जैक्टली ए ओ इक्वल्स टू ओ बी है ना, और सी ओ इक्वल्स टू ओ डी। ये क्या है जी, ए बी एंड सी डी बाइसेक्टर है, ठीक है। और तीसरा क्या कि भाई सी ओ बी इक्वल्स टू ए ओ डी, एंगल एंगल लगा लेता हूँ। ये क्या है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, और ये हो गया है मेरा ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू सी ओ बी। ये हो चुका है मेरा कॉन्ग्रेंट बाय वॉट, देखिए साइड, सॉरी साइड एंगल साइड। तो ये हो गया साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट, और इससे मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ए बी है इक्वल्स टू सी बी है बाय सी पी सी टी। तो
देखो ये फोर्थ वाला भी मेरा हो चुका है, पर ये थर्ड वाला नहीं हुआ। थर्ड वाला क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड वाला कह रहा है कि भाई ए डी को सी बी के पैरेलल करना है। क्या करना है भाई, ए डी को सी बी के पैरेलल करना है। तो भैया कैसे करें इसको, तो देखो ध्यान से देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। अगर इसको पैरेलल करना है तो देखें कैसे करें, तो मैं इसको पैरेलल कर लेता हूँ। देखो देखो ये देखो है, देखो ये वर्टिकली अपोजिट, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, अब ध्यान से देखो, अभी नहीं देखा तो अब देखो। देखो ये वाला एंगल जो था सी ए बी जो था, ये किसके इक्वल था बच्चों, ये था ए बी डी के। देखो ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट नहीं था, देखो ये सेकंड वाला पार्ट वही तो है ये देखो। और जब ये इसके इक्वल है तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है ये ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स तभी होते हैं बच्चों जब ये पैरेलल होता है। तो ये ए डी इज पैरेलल टू सी बी होगा। अभी भी नहीं आया तो मैं अब आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब ध्यान से देखो भैया, ऑल्टरनेट एंगल्स तभी होते हैं, ये वाला एंगल, ये लेट सपोज ए है और ये बी है, भाई ए इज इक्वल टू बी तभी होगा भाई जब ये पैरेलल होंगे। समझ में आया, ये पैरेलल होते हैं, ये जो जेड बनता है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल्स तभी बनते हैं जब ये पैरेलल होंगे, तब बनते हैं। तो देखो ये ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ये भाई ये वाला क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो देखो कितना इजी था ये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं।